हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मेकअप बाय राशि सोनी। सो गाइस, जो आज का वीडियो है वो जो मेकअप मैंने किया है वो अपनी मेरी रियल क्लाइंट थी। और गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप डस्की स्किन पे आप कैसे मेकअप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आई मेकअप नहीं रखा है जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे आपको बेसिकली स्किन के बारे में बताना है और बेस मेकअप कैसे करना वो बताना है। सो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने बहुत अच्छे से इनकी फेस पे क्लेंजिंग करी है, जस्ट बिकॉज इनके फेस पे बहुत ज़्यादा हल्दी लगी थी। ऑब्वियसली शी इज़ अ ब्राइट, तो भर भर के लोग हल्दी लगा देते हैं, सो इट्स ओके। हमें लेकिन अच्छे से उनके फेस को क्लेंज करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनकी स्किन काफ़ी वैसे तो बहुत अच्छी थी, कोई इनके पिम्पल्स इतने नहीं थे, बट हाँ ये डस्की स्किन टोन पर थी। सो गाइज, जो मैंने वाइप्स यूज़ करी थी, ये मीमी वाइप्स हैं और इससे बहुत अच्छे से क्लेंजिंग भी हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आई मेकअप ऑलरेडी कर दिया है। एंड गाइज, डोंट वरी, मैं इसका अनकट ट्यूटोरियल भी डालूंगी, सो दैट आप उसमें आई मेकअप भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से आई मेकअप किया। बट जस्ट नाउ वी हैव टू फोकस कि इनकी स्किन को मैंने कैसे हैंडल किया था। सो गाइज, ये जो मेरी क्लाइंट थी, इन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि जो इनका रोका का मेकअप हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया था इनको, एंड उसी के वजह से इनको इनका जो मेकअप हुआ था पूरा ग्रे पड़ गया था, जस्ट बिकॉज जिन्होंने भी इनका मेकअप किया था बहुत ज़्यादा वाइट वाइट कर दिया था। सो यही मैं आपको आज समझाना चाह रही हूँ और दिखाना चाह रही हूँ कि अगर कोई डस्की स्किन टोन हो तो स्किन टोन है तो आप कैसे उस पर मेकअप करेंगे और किस तरह से हमें वैसे हैंडल करना है, राइट। सो सबसे पहले मैंने क्या किया था, क्लिनजिंग करके टोनिंग करी थी। मैंने फॉरन एसेंशियल्स का टोनर लगाया था और अभी मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लगा के मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं क्या आपको बता रही थी कि इन्होंने मुझे स्पेशली ये बोला था कि राशि, मेरा ना स्किन टोन बिल्कुल चेंज ना हो, मुझे आप ग्लोई और मुझे एकदम ग्लोई बेस चाहिए। सो गाइज, ये भी ये चीज़ करना भी बहुत एक ट्रिक है, क्योंकि हम फेयर लोगों पर तो बहुत आसानी से मेकअप कर सकते हैं, बट जिनका पिगमेंटेड एरिया होता है या जो जिनका डस्की स्किन टोन होता है उनके ऊपर मेकअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट वी शुड नो हाउ टू डू इट, राइट। हमें ट्रिक आनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं इनके माउथ एरिया में भी काफ़ी पिगमेंटेशन है, अंडर आइज पे पिगमेंटेशन थी, फोरहेड पे भी थी, बट इट्स ओके। आप जब इनका आफ्टर लुक देखेंगे तब आप कहेंगे कि इनका मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा इनको वाइट भी नहीं किया था, इनके स्किन टोन पे भी रखा था और इनका बेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, मतलब शी वॉज़ ग्लोइंग एंड शी लव द मेकअप ऑन अ ब्राइडल डे। सो गाइज, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम कभी भी जब ब्राइड का मेकअप करने जा रहे हैं ना, तो हमको अपने अकॉर्डिंग मेकअप नहीं करना है, हमें अपनी ब्राइड के अकॉर्डिंग मेकअप करना है, राइट। जो वो बोल रहे हैं उनको हमें समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, किस तरह का मेकअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग हमसे। सो गाइज, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रिकोट की स्ट्रोब क्रीम लगा दी है सेटाफिल मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि इनका जो इनकी स्किन है वो अभी से ही कितनी ग्लो कर रही है, क्योंकि मैंने अच्छे से स्किन केयर किया है। स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो फेयर हो, स्किन टोन हो, मीडियम हो, डस्की हो, वट एवर द स्किन टोन, बट द स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेकअप, क्योंकि हमारा बेस उसी से ही फ्लॉलेस बनता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्मैश बॉक्स का प्राइमर लगाया है, अच्छे से उसको ब्लेंड किया है। ये भी गाइस आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्राइमर लगा रहे हो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई पोर्शन पे जैसे हमारे नोज़ एरिया में प्राइमर जम गया है, अब वहाँ अगर जमा हुआ प्राइमर रहेगा उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगाओगे सो ऑब्वियसली फाउंडेशन क्रैक करेगा, ख़राब हो जाएगा वो एरिया। सो इसीलिए हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। सो गाइज, अब हमारी करेक्शन की बारी आ गई है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से इनके जहाँ भी पिगमेंटेड एरिया था, जहाँ मुझे लग रहा था कि इनकी स्किन ग्रे पड़ सकती है या कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक था, तो मैंने उस हिसाब से करेक्शन करा था। और आप देख सकते हैं, मैं ये क्राइलॉन का पैलेट में से मैंने लिया था ऑरेंज करेक्टर, और उसको मैंने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था पिगमेंटेड एरिया वहाँ वहाँ मैंने अच्छे से अप्लाई करके फिर इसके ऊपर मैंने क्या किया था, मैंने एक डार्क कलर का कंसीलर लिया था जो हल्का सा ऑरेंजिश कलर में ही है, बट हाँ वो डार्क कलर कंसीलर था और एले गल का है ये। ये मैंने एक डिब्बी में छोटा सा निकाल के रखा है, सो क्योंकि उसका जो बॉन्ड होता है ना गाइज, मुझे कभी कभी तो उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकल जाता है। सो मैंने क्या किया, मैंने अच्छे से एप्लीकेशन करके फिर मैंने ये स्पॉन्ज लिया है, ये वेट स्पॉन्ज है, वेट नहीं सॉरी डैम्प स्पॉन्ज है, ना ज़्यादा सूखा और ना ज़्यादा गीला। सो उस हिसाब से फिर मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी। अब आप देख रहे हैं एप्लीकेशन पूरे, आप देखिए गाइस इतनी स्मूथ एप्लीकेशन हो रखी है,
जस्ट क्योंकि हमने स्किन केयर भी बहुत अच्छे से किया था, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, एवरीथिंग, और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से किया है। इसी वजह से जो फाउंडेशन का भी एप्लीकेशन अभी हो रहा है वो भी बहुत स्मूदली हो रहा है। एंड गाइज, मैं आपको इसमें एक टिप देना चाहती हूँ, जब भी आप ब्राइडल मेकअप पे जाएँ और जब भी आपके क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट हो कि बहुत ज़्यादा स्किन टोन फेयर मत करना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो आप क्लाइंट को हमेशा दिखा सकते हैं कि मैम मैं ये शेड आपको लगा रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको डार्क भी कर सकती हूँ और फेयर भी कर सकती हूँ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। इससे क्या होगा कि आपके क्लाइंट्स भी आप पे भरोसा करेंगे। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका जो इंगेजमेंट मेकअप था वो मैंने किया था एंड शी लव द मेकअप, और उन्होंने मुझे पूरा ट्रस्ट किया था अपने ब्राइडल डे वाले दिन, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया था जो भी इनका रोका में इनके साथ हुआ था। सो गाइज़, इसी तरह से हमें अपने क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बनाना पड़ता है, उनको जो उनको चाहिए वो हमें उनको देना है। सो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इनका इंगेजमेंट मेकअप कर दिया था, उन्होंने मुझे ब्राइडल वाले दिन खुद बोला था कि आपको जैसा सही लगे राशि आप वैसा करिए, बट हाँ मैंने इनकी प्रेफरेंसेस के किया था, जैसे इनको कैसा आई मेकअप चाहिए, किस तरह का बेस चाहिए, अच्छे से आप पूछिए, एनालाइज करिए और फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी करिए। बट द थिंग इज दिस कि हमें पहले सामने वाले को समझना चाहिए कि वो सामने वाला क्या चाह रहा है हमसे। सो अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एस्टी लॉडर का, आपने देखा मैंने फाउंडेशन लगा दिया था, उस पर मैंने टू फेस का सैंड थोड़ा सा मिक्स किया था, वो डार्क शेड था और एस्टी लॉडर थोड़ा सा लाइट था, तो मैंने मिक्स एंड मैच करके किया था। फिर उसके बाद गाइज, मैंने यहाँ पर इनका जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वो टार्ट का किया था एंड द शेड वॉज लाइट मीडियम। मैंने बहुत ज़्यादा फेयर टोन पे स्किन यू नो कंसीलर नहीं रखा था, जो इनके स्किन पे जाएगा और जो इनको ग्रे भी नहीं करेगा उस हिसाब से मैंने इनका कंसीलर का कलर रखा था। इसके बाद कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं इस डैम ब्लेंडर से मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया था, और ये जो ब्लेंडर है ये प्रॉश का है, वेरी नाइस ब्लेंडर, बहुत ही सॉफ्ट है और इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। सो मैंने कंसीलर फाउंडेशन बहुत अच्छे से यू नो ब्लेंड कर दिया है, और अब आप देख सकते हैं कि इनका फेस अभी भी ग्लो कर रहा है आफ्टर अप्लाइंग द कंसीलर ऑल्सो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस, जब हम लोग फाउंडेशन कंसीलर लगाते हैं तो उतना ज़्यादा ग्लो नहीं करता, बट हाँ अगर हम स्किन केयर अच्छे से करेंगे तो हर चीज़ हमारा बहुत अच्छा होगा और हमारा जो बेस होगा वो अगेन बहुत फ्लॉलेस होगा। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इनका फेस थोड़ा सा हैवियर साइड पर था, तो मैंने बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग करी थी। ये मैंने क्रायलॉन पैलेट से ही मैंने ये शेड उठाया था और अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि कॉन्टोरिंग की नीड है वहाँ वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया था। सो गाइस, कॉन्टोरिंग भी हमें फेस के अकॉर्डिंग करनी है, जस्ट बिकॉज जैसे इनका हैवी फेस था सो वी नीड अ हैवी कॉन्टोरिंग ऑन अ फेस, और जिनका बहुत स्लिम सा स्लीक सा फेस है तो मैं उनके ऊपर ब्रॉन्जिंग प्रेफर करती हूँ, मैं हर के ऊपर कॉन्टोरिंग नहीं प्रेफर करती हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फेस स्ट्रक्चर कि उनका फेस स्ट्रक्चर क्या हैवी है एंड या कोई बहुत ज़्यादा यू नो स्लीक सा है, तो फिर हम कॉन्टोरिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड, बट हाँ उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि मैं कॉन्टोरिंग अच्छे से कर दीजिएगा, तो मैंने बहुत अच्छे से इनकी कॉन्टोरिंग करी थी। और एक बात और गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब भी आप कॉन्टोरिंग करें तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप ये यू नो कॉन्टोर अप्लाई करते उसको ब्लेंड बहुत अच्छे से करिएगा ताकि वो ब्राउन ब्राउन नज़र ना आए, वरना वो बहुत ख़राब लगता है। सो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्रीम ब्लशर यहाँ अप्लाई किया है, ये सिंपली नाम का ब्लशर है ये मैंने नया परचेज़ किया है एंड ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ही स्मूदली अप्लाई होता है एंड आई लव दिस ब्लशर अ लॉट। सो अभी मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लशर मैंने अप्लाई कर दिया है, और मैं यहाँ पर इनसे यही पूछ रही थी कि आपको ब्लशर कैसा चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा कर दूँ या लाइट में रखूँ, तो उनका आप अपने अकॉर्डिंग कर दीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि उनका इंगेजमेंट मेकअप बहुत सिंपल सा मैंने किया था, बट उनको ये वो मेकअप भी पसंद आया था, बट उन्होंने कहा था आज मेरा ब्राइडल डे है सो मुझे थोड़ा सा मेकअप और अच्छे से चाहिए, और मैंने भी उनको यही प्रेफर किया था। सो गाइज, वही मैं आपको बता रही थी कि ब्राइड्स की बात भी सुननी है, बट हम अपने सजेशंस भी उनको दे सकते हैं, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट सो वी नो यू नो हाउ टू डू द मेकअप ऑन द ओकेजन्स। सो गाइज, अभी जो मैं ये ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ ब्लशर, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था एंड ये प्रॉश का ही ब्लेंडर है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इनके आई एरिया है वो मैं फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। ये बहुत एक अच्छी टिप है गाइज, जब भी आप पाउडर सेटिंग करने जाएँ फेस पे,
पहले आप क्रीजेस देख लीजिए, कहीं क्रीजेस तो नहीं आई हैं, जस्ट बिकॉज अगर आपने पाउडर सेट कर दिया तो वो क्रीजेस फिर आप नहीं हटा पाएंगे। सो मेक श्योर जब आप पाउडर सेटिंग करने जाएं, स्पेशली आई एरिया को एक बार चेक कर लें, और अगर लाफ लाइंस वगैरह हैं तो वहाँ पर ब्लेंड करें, उसके बाद सेट करें। सो यहाँ पर मैंने शार्लेट टिलबरी का पाउडर यूज़ किया था और मैंने बहुत अच्छे से पाउडर सेट किया है। इसके बाद अब मैं बेकिंग कर रही हूँ। अगेन बेकिंग भी बहुत बहुत अच्छे से करनी, क्योंकि ये भी एक टेक्निक है, क्योंकि पाउडर सेटिंग करना और बेकिंग करने से ही हमारा जो आफ्टर जो रिज़ल्ट आता है वो डिपेंड करता है गाइस। सो इसके बाद मैंने बेकिंग इसलिए करी थी क्योंकि मुझे आई वर्क करना था, तो जो भी फॉल आउट होगा वो पाउडर पर होगा एंड पाउडर फिर हम वाइप आउट कर देंगे। सो गाइज अभी जितना भी आई वर्क बचा है वो मैं कंप्लीट करूँगी, इनकी ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर दूँगी, और फिर मैंने देखा था कि इनके जो आईज़ पे कोई जो मैंने आई शेडोज लगाए हैं ब्लेंडेड हैं कि नहीं। मेक श्योर आपका आई मेकअप बहुत अच्छा और ब्लेंडेड दिखे, तभी हमारे क्लाइंट्स हमसे सेटिस्फाइड होंगे गाइज, बहुत ज़रूरी ये सब चीज़ें। इसके बाद मैंने यहाँ पर फेसेस कैनेडा का आई लाइनर लगाया है, फिर इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये लॉरियल का है, मैंने अभी इंगलॉट नहीं ख़रीदा है, बट हाँ जब मेरा ये लॉरियल ख़त्म हो जाएगा देन आई विल डेफिनेटली परचेज इंगलॉट, क्योंकि वो भी मुझे ट्राई करना है। इसके बाद बहुत अच्छे से मैं प्रिसाइजली मैंने आईलाइनर अप्लाई कर दिया है, और जब भी गाइज आप जेल आईलाइनर अप्लाई करें तो अपनी ब्राइड को बोले कि 2-3 मिनट तो वो आईज़ बिल्कुल भी ओपन ना करें, अदरवाइज़ पूरा आईलाइनर उनके आईज़ पे लग जाएगा और जो भी हमने आई मेकअप किया सब स्पॉइल हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ ब्राउ बोन को इनके हाईलाइट कर दिया है, फिर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। ये मैं हमेशा, मेरी ये आदत है, मैं क्लाइंट से हमेशा पूछती हूँ कि उनको ब्लैक काजल चाहिए कि ब्राउन चाहिए, जो भी उनको कंफर्टेबल लगता है मैं वही उनको अप्लाई करती हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि आई वॉन्ट ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक काजल, सो मैंने वो अप्लाई किया, और जो भी फॉल आउट हुआ था और जो भी मैंने बेकिंग की थी पाउडर से वो मैं वाइप आउट कर दूंगी सारा का सारा। सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्लशर का, ये पाउडर ब्लशर है, ये के ब्यूटी का है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं मैंने इसका पैन भी हिट कर दिया। मैंने एक शार्लेट टिलबरी का पाउडर जो मैं अभी कॉम्पैक्ट में नहीं यूज़ किया था वो भी मुझे बहुत पसंद है एंड दिस ब्लशर इज़ वेरी गुड। इसके बाद अब हमारी बारी आती है हाईलाइटर की। यहाँ पर मैंने फेंटी ब्यूटी एंड डायोर का हाईलाइटर को मिक्स करके मैं हाईलाइट कर रही हूँ। बहुत लोग गाइज मुझसे पूछते हैं कि मैम आप इतना मिक्स एंड मैच क्यों करते हैं। गाइज सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, अगर किसी को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज़ करना है वो एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, बट मुझे अच्छा लगता है ऐसे मिक्स एंड मैच करके करना चीज़ें। सो मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करती हूँ और मेरे क्लाइंट्स को भी पसंद आता है वैसा, सो आई डू लाइक दैट। एंड मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जो मेरी ब्राइट इनको बहुत ग्लोई ग्लोई मेकअप चाहिए था, तो मैंने अच्छे से हाईलाइटर लगाया था। अब आप देख सकते हैं कि इनको मैंने बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा डल भी इनका फेस नहीं लग रहा है। शी इज़ एट द शेड विच आई हैव पुट ऑन, जो फाउंडेशन कंसीलर मैंने लगाया वो परफेक्ट शेड था इनका, और अभी गाइज जब आप आफ्टर लुक देखेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके बाद मैंने एनेस्थासिया बेवरी हिल्स के ब्राउ प्रोमेट से मैंने इनका आईब्रो को फिल कर दिया, क्योंकि इनका जो इनकी जो आईब्रो थी ऑलरेडी काफ़ी डार्क थी, बहुत अच्छी थी, सो मैंने फिल कर दिया तो बहुत अच्छे से शेप कर दिया था। इसके बाद ये मैंने फेयरुशी का मस्कारा लिया है और बहुत अच्छे से मैं इनकी आई लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने अपर लैशेस को भी कर्ल किया, बट ये मैंने मेबलिन के मस्कारा से किया है। सो बहुत दोनों ही मस्कारा बहुत अच्छे हैं। फेयरुशी मेरे हिसाब से लोअर लैशेस के लिए परफेक्ट है, उसका जो वॉन्ड है पतला वाला इट्स परफेक्ट, एंड मेबलिन वाला अपर लैशेस के लिए मुझे बहुत पसंद है दोनों मस्कारा गाइस। सो अब मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, या मैंने ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने ये हुला ब्रॉन्जर यूज़ किया है बेनिफिट का, बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जर है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, वेरी गुड ब्रॉन्जर। और देख रहे हैं गाइस जहाँ जहाँ एरियाज़ मुझे लग रहे हैं उनके थोड़े से हैवी हैं, वहाँ वहाँ मैं अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। सो गाइस आफ्टर ऑल शी इज़ अ ब्राइट, सो उनको एकदम परफेक्ट लगना है, राइट। सो इसके बाद मैंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप है, ये हमारा फिक्सर, ये मैंने पैक का फिक्सर यूज़ किया है। मुझे पैक के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आते हैं, वेरी नाइस प्रोडक्ट्स। सो गाइज अब हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके बाद इनको इन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि इनको रेड लिप्स चाहिए हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने ये कीको मिलानो का लाइट पिंकिश पहले मैंने लिप लाइनर से आउटलाइन कर दिया था। इसके बाद मैं बहुत प्यारा सा रेड कलर इनको मैं अप्लाई करूँगी, बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है वो, ये है फेसेस कैनेडा का लिप कलर, और ये बहुत ही पुराना लिप कलर है, मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ फॉर माय ब्राइड्स, क्योंकि ये मरूनिश रेड है एंड इनके जो इनका जो लहंगा था उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा था।
सो गाइज जैसे ही मैंने इनको लिपस्टिक अप्लाई की थी इनका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था एंड शी लव द मेकअप, शी लव आई मेकअप, लिप कलर, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ इनकी एकदम परफेक्ट थी। यहाँ तक कि जब फोटोग्राफर भी आए थे तो उन्होंने भी यही बोला था कि इनका मेकअप एकदम परफेक्ट हुआ है। एंड गाइज आप यकीन नहीं करोगे, ये बहुत डर रही थी अपने ब्राइडल वाले दिन की बहुत ज़्यादा यू नो ख़राब ना हो जाए, ग्रे ना पड़ जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बल्कि इनका फ़ोन भी मेरे पास अगले दिन आया था एंड शी सेड कि जैसा मेकअप था वैसे ही रहा, यहाँ से वहाँ नहीं हिला। सो हमें ऐसे ही मेकअप अपने ब्राइड्स को करके देना है। सो लास्ट स्टेप होता है लैशेज़। यहाँ मैंने लैशेज़ अप्लाई कर दी, ये रेड चेरी की लैशेज़ हैं, काफ़ी अच्छी लैशेज थी, इनका बैंड भी बहुत पतला था। सो मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया, तो मैं ड्यूओ का ग्लू यूज़ करती हूँ। सो गाइज आजकल मार्केट में बहुत तरह की लैशेज़ आ गई, मिंक लैशेज़ भी हैं। आज तक की मेरी जो मुझे जो बेस्ट लैशेज़ लगी है वो ब्यूटीलिशियस की लगी, वो मुझे बहुत अच्छी, उनका बैंड बहुत पतला है। सो गाइज अब हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है, अब आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। एंड लास्ट में ब्राइड बहुत हैप्पी थी जो बाय बाय कर रही हैं आप लोगों को। गाइज मैंने इंस्टाग्राम हैंडल अपना ऑलरेडी शेयर कर दिया, अगर आपको वहाँ भी मेकअप और रील्स देखनी हो तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालती हूँ एंड मैं शॉर्ट्स भी बहुत डालती हूँ। गाइज मैं डेली अपलोड करती हूँ, भले मैं लॉन्ग वीडियो हफ्ते में एक बार अपलोड करूँ पर शॉर्ट्स मैं रोज़ अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। So guys, do like, share, comment and subscribe to my channel and thank you for watching. Take care. Bye-bye guys.